और ये है हमारे प्रिय सासू माँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे और नए व्लॉग में। तो अपना दिन इधर शुरू हो गया है, फ्रेश हो गए हैं हम पूरी तरह। और आज स्पेशल हमारे यहाँ ये है कि वैसे आज सेकंड सैटरडे है, तो जॉब में भी ज्यादा काम नहीं रहेगा क्योंकि बैंक आज क्लोज रहेगा। तो फाइनेंशियली जो काम रहता है वो ज्यादा नहीं रहेगा, यानी थोड़ा वर्कलोड आज कम रहेगा, तो मैं इतना बिजी नहीं रहूंगा। इसलिए सैटरडे सेकंड और फोर्थ थोड़ा बोरिंग रहता है मेरा, बाकी तो ठीक है, कुछ काम निकल जाता है तो दिन पूरा निकल जाता है। तो भाई आज हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले, हमने एक्चुअली डिनर प्लान किया है फैमिली गेट टुगेदर का, जिसमें पीयूष भाई आने वाले हैं, जो कच्ची दाबेली हमने आपको बताया था, वही पीयूष भाई और उनकी फैमिली हमारे यहाँ खाने पे आने वाली है। और हमारे जो मम्मी के अंकल की लड़की जो हमने बताया था उषी मासी, वो भी आने वाली है। क्या है आज मेनू में? आज मेनू में फ्रेंकी और लज़ानिया। और इधर अभी सीरियल देखा जा रहा था, तो फेस पे जो रौनक थी वो पूरी अलग थी। और अभी जब पूछा गया तो देख लीजिए, ऐसा मतलब रस धराते ही नहीं, पता नहीं क्या, ऐसे मरे मरे फ्रेंकी और लज़ानिया, ऐसा ऊर्जा पैदा नहीं करते, ऐसा स्टेमिना देखना चाहिए ना। ये वीडियो बनाता हूँ मैं, वीडियो बनाना था नहीं, बोलो उसको सर्दी जुकाम हो गया है, हमारा भी तबियत ऐसा वाका ही है, हम के घोड़े जैसे नहीं है, ठीक हो गए तभी बोलना ही मत मेरे को। अबे इतना सर्दी, मेरा भी सर्दी खासी सब था, फिर भी मैंने व्लॉग उतारना अभी ट्राई किया, ये तो यहाँ पे कुछ प्रयत्न ही नहीं है, बस आईब्रो ऊंचे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं बस। मैं पूरा दिन नवरी नहीं होती हूँ, मैं अभी घर का काम करती हूँ, अभी घर का काम करो कि वीडियो बनाऊ, दोनों एक साथ मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकते हो, तुम के अंदर जुनून होना चाहिए। ओके आई एम सॉरी, इसमें तो हर फॉल्ट है, बोल मैंने बोल दिया ना, आई एम सॉरी। क्या छोड़िए, अभी क्या कह सकते, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। तो आज नाश्ता हमारा बिल्कुल सिंपल, ये खारसिंग और चना खाने वाले, बस और कुछ नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं है, कुछ मसालेदार खाओ या ऐसा कुछ। तो लज़ानिया और फ्रेंकी आज हमारा डिनर में होने वाला है। उन लोगों ने हमें काफी, हमने काफी कुछ उनको चॉइसेस दिए कि क्या बनाए क्या बनाए, कुछ अच्छा सा रखे। तो उन्होंने कहा कि ये कभी हमने खाया नहीं है, फ्रेंकी तो उन्होंने खाया, लेकिन ये लज़ानिया जो है वो उन्होंने नहीं ट्राई किया है। तो वही आज निशु बनाएगी और आपको भी दिखाएगी कि ये लज़ानिया आखिर होता क्या है और ये बनता कैसे। खैर अभी ये नाश्ता करके मैं तो निकल जाऊंगा, तो मिलते हैं सीधा शाम को। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी लज़ानिया बनाने जा रही हूँ, यानी कि शाम को बनाना है, लेकिन अभी से मैं तैयारी करके रख रही हूँ। तो क्या शाम को मेरे सिर्फ ओवन में ही रखने का होगा? बस मैं ऐसा ही कर रही हूँ। तो मैं उसका जो लज़ानिया के अंदर जो रख जो हम साग रखते हैं, जो वेजिटेबल्स रखते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसके अंदर के जो साग आता है, जो सब्जी आती है, वो मैं क्या क्या डालती हूँ और कैसे बनाती हूँ। उसके लिए एक एक प्याज चाहिएगा, दो तीन गाजर चाहिए, और कैप्सिकम मिर्च चाहिए, और स्वीट कॉर्न चाहिए, बस इतना ही चाहिएगा। वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, और रेड चिली फ्लेक्स, और ऑरेगानो, और सॉल्ट, और ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा वाइट मक्खन और तेल, बस इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने वीडियो रख दिया है, आप देख लेना। और उसके बाद हम रेड सॉस बनाया है, वाइट सॉस मैं बनाने वाली हूँ। रेड सॉस की रेसिपी भी बहुत इजी है, वो मैं शूट करना भूल गई हूँ। और तो मैंने सब्जी की और जो वाइट सॉस है, मैं वो दोनों, तो फिर आपको कमेंट में करना पड़ेगा कि रेड सॉस की रेसिपी मुझे चाहिए।
देखिए ऐसे बन रही है हमारी सब्जी, जो लजानिया की सब्जी आती है वो। मैंने जो जो भी चीज बोली है वो सारी चीज मैंने इसके अंदर डाल दी है, और थोड़ा सा ऊपर से लहसुन डाला है, जिसकी वजह से जो लहसुन का टेस्ट है, जो गार्लिक गार्लिक या जो लहसुन का टेस्ट है वो सब्जी के अंदर आ जाए, हमने उसी के लिए थोड़ा सा ही लहसुन डाला है। बस उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं डालने का है। जैसे भी बन जाती है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो सारी सब्जी है उसको हाई फ्लेम पे ही हमें पकाना है, उसकी वजह से जो लहसुन का टेस्ट है ना बहुत इजीली आ जाएगा। और इसको हमको 50% ही पकाना है, 50% कच्चा रखना है, इसको पूरा पकाना नहीं है, क्योंकि हम जो लसानिया में लेयर लगाएंगे तो वो ओवन में जाएगा, तो वो ओवन में जाके भी ये सब्जी कुक हो जाएगी, तो हमें आधा ही पकाना है, पूरा पकाना नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो लसानिया का वो है ना वो वैसे सब हम पोचा पोचा हो जाएगा, तो वो हमें मजा नहीं आएगा, ऐसा लोचा लापसी वाला हो जाएगा। तो जी अभी हमारा जो लजांगना का है वो तो जो हमने सब्जी थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम जो फ्रेंकी बनाने वाले हैं वो फ्रेंकी की जो पोटेटो का जो मावा आता है वो मैं बनाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अंदर क्या क्या डाला। ये मैंने लहसुन अदरक और मिर्ची की पेस्ट डाली है, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया, चाट मसाला। अभी जो ये सारे मसाले डाले हैं उसे हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे उसके अंदर जो पोटैटो हमने बॉईल करके रखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ, ये बॉईल किए हुए मैश किए हुए पोटैटो है, ये पोटैटो सारे ये मसाले में जाएंगे। अभी इसको हम जल्दी से सौते कर लेते हैं, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। तो ये हमारा जा रहा है बॉईल किया हुआ मैश किया हुआ पोटैटोस। हम सारे पोटैटो डाल के उसके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे लगता है। लीजिए ये मैंने मसाले के साथ पूरा जो पोटैटो है वो मिक्स कर दिया है। अभी उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे सॉल्ट। तो जी मेरा फ्रेंकी का मसाला तैयार हो चुका है। तो अभी वे जो फ्रेंकी बनाने की जो वो रोटी आती है वो रोटी का डोर बांधने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसके अंदर क्या डालती हूँ। देखिए कोरिएंडर डाल के, धना डाल के मैंने उसको मस्त गार्निश कर दिया है, और ये हमारा मसाला पूरी तरह से तैयार है। तो जी हमारा फ्रेंकी का जो डोर है वो डोर रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो रोटी जैसे हम बनाते हैं वैसे इसका डोर तैयार करने का है। उसका डोर तैयार करने के लिए मैदा, थोड़ा सा नमक और पानी, बस इतना ही चाहिए। और जब डोर तैयार हो जाए थोड़ा सा ऑयल लगा के, तेल लगा के उसे फिर से ऐसा आपको गून देंगे तो आपका बन जाएगा वो फ्रेंकी का जो डोर होता है वो। और ये अचल भाई आया हुआ है कुछ। तो लजंगना में हम पहले रखेंगे रेड सॉस जो मैंने सुबह बनाया था, वो रेसिपी मैं आपको देना भूल गई हूँ। तो अभी मैं, आप मुझे को कमेंट करके बताना कि आपको रेड सॉस की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी। तो अभी मैं लजंगना पे आती हूँ। तो लजंगना में पहले मैंने रखा है रेड सॉस, उसके ऊपर मैंने रखा है जो ब्रेड, ब्रेड के जो जो कॉर्नर आते हैं वो काट के उसको बेलन से बेल के थोड़ा सा पतला सा कर देने, जैसे रोटी टाइप होता है नहीं, पतली पतली ऐसी रोटी टाइप कर देने का, वो रख देने का। उसके ऊपर फिर से रेड सॉस लगाने का, और उसके ऊपर जो मैंने आपको साग दिखाया, जो मैंने कैप्सिकम और जो गाजर और जो ऑनियन वो सब जो कट करके डाला हुआ था, जो साग बनाया था, वो जो साग हमने बनाया था वो रखने का है। उसके बाद उसके ऊपर व्हाइट सॉस, मैंने व्हाइट सॉस की रेसिपी भी मैं रख दी उसके अंदर वीडियो में दे दी है। तो वो व्हाइट सॉस लगाने का है उसके ऊपर, साग के ऊपर, और उसके ऊपर चीज डालने का है, और ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के उसको ओवन में रख देने का है।
ओवन में आप मिनिमम 10 या 20 मिनट रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आगे भी बोला था कि सब्जियां कच्ची है, 50% मैंने पका दी है, 50% बाकी है जो ओवन में जाके कुक होगी। तो वो हम कुक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मेरा लजानिया का लुक कैसा आया है। तो मिलते हैं लजानिया के टाइम पे। तो हमारा खाने का अभी प्रिपरेशन शुरू हो चुका है और भाई हम पहले भी मिल चुके हैं, और उनका बड़ा लड़का स्मित कैसे हो, उसको उसको भी शाय है, थोड़ा शर्म लग रहा है। और ये हमारे अभी मासी पीयूष भाई के प्रिय पत्नी इकलौते पत्नी बराबर से बराबर से। और ये धमाक छोटा पैकेट बड़ा धमाका विहान है, विहान ये हम सबका बहुत लाड़का है विहान। तो ब्लॉग में आई विहान और उसी मारते से आप पहले भी मिल ही चुके हैं। बढ़िया है तबीयत, अभी घर खबर लेवाऊ पड़ से बराबर। और पापा को भी अभी अच्छा है, तो अभी थोड़ा डिनर अभी हमारा चल रहा है। अचल भी 2 दिन पहले ही आया इधर, तो बस ये अभी डिनर हम करेंगे। कैसा लगा लसांगना स्वीट, तेरा रिव्यू तो दो। नहीं। अच्छा लगा उसको? थोड़ा अभी शाय लग रहा है, मतलब शर्म आ रहा है इधर अभी वैसे तो बहुत हंसू आ रहा है इधर नीचे सर पूरी लगी पड़ी है। एक्चुअली ये स्टफिंग जो है वो फ्रेंकी का है, फ्रेंकी और ये लसांगना जो निशु ने बताया आपको, ये वही है। फ्रेंकी में भी अलग अलग तरह का स्टफिंग है आपको एक मिनट। तो जी फ्रेंकी का जो भी रेसिपी है वो आपको निशु बाद में दे देगी अभी, क्योंकि वो अभी बहुत बिजी है ये सब बनाने में, अभी खिलाने में। आज स्पेशली फ्रेंकी और लज़ानिया का ही हमारा प्रोग्राम था, और बहुत टाइम के बाद हमने गेट टुगेदर वाला भी रखा है, काफी टाइम हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया है। हाँ 1 साल के ऊपर हो गया। और ये है हमारे प्रिय सासू माँ स्मित को बहुत शर्म आ रहा है अजी। तो खाना खजाना हमारा कंप्लीट हो गया है, और पीयूष भाई और अमी मासी आइसक्रीम लेके आए हैं, तो दो दो वैरायटी में आइसक्रीम है। एक हैवमोर का ये अमेरिकन मड केक है पूरा चॉकलेटी, और एक ये है ड्राई फ्रूट मलाई वाला ये है, और मड केक चॉकलेट वाला ये है। तो जिसको जो खावेगा वो खाएगा, तो आज को ना ये पसंद है। हाँ तो मम्मी को यही पसंद आएगा, क्योंकि मम्मी और पापा चॉकलेट वाला बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। अभी खाना सबका खत्म हो गया है, तो डिजर्ट पे हमारा ये आइसक्रीम रहने वाला है।
हाँ तो हम यहाँ पे आए हैं अंतरिम फूड कोर्ट। एक्चुअली मासी को बैक पेन है तो वो टू व्हीलर पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी तो उन्हें उनके घर हमने ड्रॉप किया और फिर निशु ने कहा कि चलो कहीं पे घूमने जाते हैं, सैटरडे नाइट है तो अभी के घर जाके क्या करेगी, वो भी बहुत थक चुकी थी खाना बना बना के। आज थोड़ा उसका लेफ्ट राइट हो गया, गेस्ट आए थे तो यहीं पे आए हम। तो घर से खाना तो हम खा के आए थे पूरा, लेकिन अपनी निशु का आपको पता ही है कि पूरी घर घंटी है, हमारी घंटी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो छोटा सा एक पिज्जा हमने मंगवाया है, ये ला मिलानो है वहां से। एक्चुअली इसका पिज्जा हमने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया है तो निशु ने कहा कि चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, और उसने घर पे अच्छा कच्चर खाया था तो भूख लग गया हमको, अभी देखते हैं कैसा टेस्ट आता है उसका। ये जो जगह है वो मेरे घर से मुश्किल से 5 या 4 किलोमीटर होगा, हाईवे पर है, बिल्कुल हाईवे पर। और यहाँ पे बहुत सारी आउटलेट्स है, आपको जो खाना हो आपको इधर मिल जाएगा। कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा है चाय, टेम चाय। ये किसका आउटलेट है? तो ये टी पोस्ट का है। तो जी आ गया हमारा गोल्डन कॉर्न पिज्जा। इसके बिना तो हमारा सोमवार ही नहीं होता है। जो गला बैठ गया उसका क्या? गला बैठे या गला फूका जाए ये तो चाहिए ही चाहिए। फिर सुबह करोगे? ओ मेरा नाम मत लो, लाया तुम हो, मेरा नाम मत लो। नहीं नहीं फिर तुम ककल दोगे। नो नो नहीं। हाँ जी तो हम घर आ गए वहीं से वापस। वैसे काफी अच्छा बनाया है जगह, काफी सारे स्टॉल्स है, टी पोस्ट भी था, होको करके कुछ किचन का कुछ था, चाइनीज का भी था, काठियावाड़ी अगर आपको खाना है वो भी था, और दूसरे सेक्शन में दाल बाटी था, काठियावाड़ी का सब खाना था। वहां पे हम नहीं गए थे, हम यहीं पे फिर गए और ऐसा ही बस निशु को मन हुआ तो पिज्जा वैसे एवरेज ही था, उतना टेस्टफुल भी नहीं था। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर इस फैमिली से आप नहीं जुड़े हैं तो रेड बटन को क्लिक कीजिए और बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।